सारे कपड़े रखना स्टार्ट करते हैं। रास्ते के लिए सामान इकट्ठा करते हुए अपनी मर्सिडीज जीएलएस तैयार है। ओ सामान उतार दो भैया। और इधर अपनी सारी गैंग भी है। ए, चाय वाली कार वाले नहीं, हम बाइक वाले ही। उन्होंने महीनों बाद अलीगढ़ की गलियों में जिंदगी बर्बाद हो गया। ये सिर्फ चार ही हो पाए थे, बीच में लाइट ही चली गई। ये दो टी शर्ट रह गए। तब तक इन्हें साफ कर देता हूँ, इन्हें लेकर जाना है मुझे। फाइनली लाइट आ चुकी है। तो गाइस सारे कपड़े प्रेस हो चुके हैं, जूता भी मैंने धुल दिया। अभी बारी आती है कपड़ों को पैक करने। कपड़े पैक करने से पहले मुझे जो लगेज है अपना उसको साफ करना पड़ेगा, उस पर धूल लगी होंगी बहुत सारी। चलिए आज आपको ऐसी जगह की सैर कराते हैं जो शायद आपने नहीं देखा। पर्दे के पीछे क्या कूलर पड़ेला है, पर्दे के पीछे रैक पड़ेला, डाइनिंग टेबल पड़ेला, कैरम बोर्ड पड़ेला, सीपीयू पड़ेला, चेयर पड़ेली, क्या नहीं पड़ेला। ऑफिशियल सर्विस सेंटर था एचपी का, अभी ये वर्किंग में नहीं है। सर्विस सेंटर बंद हुए लगभग 5 से 6 साल हो गए। पीछे मैंने रूम साफ करके अपना रूम बना लिया था, तो आज मैं सोचा आपको खा देता हूं। हम ट्रॉली निकालते हैं। एक ट्रॉली ये है मेरी, एक ट्रॉली ये। अरे यार कैसे, ये हमारी पुराने वाली ट्रॉली जिसको मैं हमेशा अलीगढ़ लेकर जाता था, और इस बार सोच रहा हूँ इसे लेकर जाऊं। द रीजन वाई आई प्रीफर दिस ट्रॉली ओवर दिस ट्रॉली इज, ऐसा नहीं है कि ये खराब है, बहुत अच्छी है। इसने मेरा बहुत सालों तक साथ दिया, इससे ज्यादा मजबूत है। बट द प्रॉब्लम इज इसका व्हील बेस, 180 डिग्री का व्हील बेस है, आगे पीछे बस। इट सुपर सीड्स दिस ट्रॉली इन दिस केस। इसमें 360 डिग्री का व्हील बेस है, चारों तरफ घूम सकती है, ऐसे ऐसे परिक्रमा कर सकती है। ऊपर से ये छोटी भी है, मुझे बहुत ज्यादा कपड़े लेकर जाने नहीं। मेरे पास रक्सैक भी है, मैं उसमें भी बाकी जो कपड़े बचेंगे वो रख लूंगा। आई थिंक दैट्स इनफ फॉर मी। बस इसको जल्दी से अब साफ करते हैं और इसमें सारे कपड़े रखना स्टार्ट करते हैं। और इसमें से भी अगर कुछ कपड़े हैं तो उसको निकाल के इसमें शिफ्ट कर दूंगा। इसमें मेरे ठंड के सामान पड़े हुए हैं अभी तक। अब इन सारे कपड़ों को उठा के उसमें ठूसना है। जद्दोजहद जारी रहेगी दोस्तों, हम रुकने वालों में से नहीं। ये तो कपड़े इसमें हमने ठूस दिए, अब बची है बात इलेक्ट्रॉनिक सामान को रखने की। ये हमारे फोन का डिबिया, एयरपॉड्स का डिबिया। बाय द वे गाइस, मेरे पास अभी एयरपॉड्स प्रो नहीं रहे, कब के बिक चुके हैं, अभी सिर्फ ये डिबिया रहेगी। अभी तो मैं इस नेक बैंड से काम चला रहा हूँ और ये बहुत बढ़िया है। मेरे पास एयरफोन्स, एडेप्टर, कलम से ना मुझे कोई लगाओ, ये तो मेरे लहराते ख्यालों के बहाव। लाइट फिर से चली गई तो आपको अब रूम में अंधेरा दिखेगा, क्योंकि अब बस ये एक लाइट चल रही, ये वाली खत्म, फिनिश। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, मुझे जगह थोड़ी कम पड़ रही है। मगर तौबा तौबा, मैं बड़ी वाली ट्रॉली नहीं लेकर जाएगा, कुछ भी हो जाए। पावर बैंक और एक टॉर्च हॉस्टल में लेकर जरूर जाइएगा, किसी दिन लाइट चलेगी ना तो ओम्फ हो जाएगा। गुलाब जामुन, ये वाला लगेज एकदम रेडी हो चुका है। इसमें अभी मुझे ये अपने जूते मैंने साफ किए थे उसको रखना है, बाकी इसमें ऑलरेडी मैंने बैग और नया वाला जूता जो है रख दिया है। बाप रे बाप, बाकी जितना सामान बचा है कल होगा भैया, इसे तो कल मैं पहनूंगा ही। बाकी चार्जर तो फोन चार्ज करने के बाद रख लूंगा, लैपटॉप अभी श्योर नहीं हूँ मैं लेकर जाऊंगा या नहीं। तीन बैग हो गया, पहले सोचा था ये और ये रहेगा, मगर अब ये भी आ गया, फिर वो भी है, उसे भी अभी रखना है। द ओनली डेट विच आई कैन अफोर्ड टू हैव इन दिस लाइफ। I know you're gonna judge me that I'm speaking in a double meaning tone. This is a normal human tendency. We all fall for opposite gender. So I can't do anything about it. But Ayan Khan is damn Ayan Khan. I know how to have a good control over my nafs. मैं इंतजार कर रहा था कि जल्दी से सुबह हो तो मैं इस कुरान को अपने बैग में रख लूं, बिकॉज आई कांट अफोर्ड टू फॉरगेट दिस हार्ड कवर ऑफ द कुरान। वल्लाह इस जिंदगी में मैंने लोगों को बड़े धोखे दिए, और वल्लाह इसी जिंदगी में लोगों ने मुझे बड़े 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 धोखे दिए। इसने हमेशा मेरा साथ दिया है, पता नहीं क्यों मैं ये फेयरवेल टाइप की स्पीच दे रहा हूँ, ये तो हमेशा मेरे साथ ही रहेगी इंशाल्लाह। और ये तनवीर भाई रास्ते के लिए सामान इकट्ठा करते हुए, एक बिस्किट से क्या होगा। धूप काफी तेज है दोस्तों, आर यू रेडी। हमें VIP सर्विस मिली है, हम जाएंगे बाइक पे, लोग जा रहे हैं पैदल। अपनी मर्सिडीज GLS तैयार है, सारी सीट अपनी, पूरी गाड़ी अपनी है। I'm a traveler on these sands. This morning I was chilling out in London. Then I ended up in Istanbul. Last night I was in Switzerland.
स्टिल लॉन्ग वे टू गो और हम अभी से ही जाम में फंस चुके हैं। जाम क्लियर। सामान उतार दो भैया। सो गाइस अभी हम लोग बस्ती पहुंच चुके हैं। हम लोग अभी कुछ खाने के लिए आए। क्या खाना पसंद करेंगे आप? अंडा बिरयानी। इधर 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 वैकेंट है सीट। तो गाइस अपना खाना पीना हो चुका है, बस अब भागते हैं रेलवे स्टेशन की तरफ। अपना सारा कंपार्टमेंट ही बुक है क्या? कितने का? 350 का है बाबू। मुस्कुरा कह रहे हैं भाई। 100 रुपए यहीं पहले सो गए। मोहम्मद राशिद, अशफाक अहमद, सब चुपड़ी खा ले भाई। Before I start this verse, I think it's best that I say I ain't pious, I ain't righteous, I ain't one of the great. What are they doing? Badam, badam, me dada ka chaha badam. Chai bali. Hey, chai bali. Haan bali. Chai. Hello, hello, mic check 1, 2, 3. 20 minutes mein hum log Aligarh pahunch jayenge. भाई ये तो रशियन बाल आ गया। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। असली असली विलेन वो नहीं है, अब कैसे आपको बताएं? सो गाइस अभी 4:41 हो रहे हैं और हम अलीगढ़ पहुंच चुके हैं। रख दीजिए अभी। ये क्या फिरका बदल लिया? महीनों बाद अलीगढ़ की गलियों में। Yo, before I start this verse, I think it's best that I say I ain't pious, I ain't righteous, I ain't one of the greats. I ain't Umar, I ain't Ali, I ain't आएंगे वापस, आएंगे वापस। We got that straight, let me express my faith, 'cause all the people wanna know. Bro, what light did you see, bro? We see you got a beard now, so we wanna hear how this new improved Muslim has just magically appeared now. आप ये सोच रहे मैं हॉस्टल में आ जाकर यहाँ पर क्यों आ गया? असल में यहाँ पे आज फंक्शन है, निकाह का फंक्शन है, आलम भाई के कजिन है, इसीलिए मैं यहाँ पे आया था। इसको अटेंड करके फिर मैं इंशाल्लाह हॉस्टल जाऊंगा शाम तक, नहीं तो कल तक जाऊंगा इंशाल्लाह। देखते रहिए, जुड़े रहिए, मिलते हैं नए ब्लॉग में। टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम। Guys, क्या हुआ? मिनट।